छत्तीसगढ़ सरकार पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने और इलाज के लिए निशुल्क सुविधा के साथ स्मार्ट कार्ड उपलब्ध करवा रही है ताकि जनता स्वस्थ रह सके। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी काम चोरी कर रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्रों पर ना तो डॉक्टर रहते हैं और ना ही स्वास्थ्य कर्मचारी। जनता इस उम्मीद में रहती है कि धरती के भगवान यानी डॉक्टर कब आएंगे। छत्तीसगढ़ में ग्राम मातलाबा में एक उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत देखिए। केंद्र के बाहर एक्सपायरी दवाइयां रखी हैं, क्योंकि यहां कोई भी कर्मचारी नियमित नहीं आता। महीनों में याद आई तो एक आध बार कर्मचारी इस केंद्र में आ जाते हैं। दवाई की पेटियां रखी हैं, लेकिन खोली नहीं जा रही हैं, क्योंकि यहां काम करने वाले कर्मचारी आते ही नहीं। बीमार मरीजों का इलाज तो छोड़िए, दवाई रखे रखे खराब हो जाती है, लेकिन गरीबों तक नहीं पहुँच पाती है। ग्रामीणों का कहना है कि उप स्वास्थ्य केंद्र महीने में एक बार खुलता है। अगर यहाँ कोई बीमार पड़े तो 30 किलोमीटर दूर इलाज के लिए आमाबेड़ा जाना पड़ता है। दवाई गोली कुछ नहीं दिए हैं? नहीं सर। और गर्भवती माताओं का क्या यहाँ इलाज होता है? नहीं होता है सर, आमाबेड़ा ले जाना पड़ता है उसको। यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूरी पर उप स्वास्थ्य केंद्र है। हर महीना यहाँ जाँच होता है कि नहीं होता? नहीं होता है सर, उसको भी वही जाँच करवाने के लिए जाते हैं सर यहाँ से। कितने यहाँ स्टाफ है? यहाँ दो है सर, एक नर्स है। कभी यहाँ इलाज कराया हो आके? नहीं सर, कभी नहीं। यहाँ डर के कारण भी नहीं आते हैं। एक एक्सपायरी डेट हो चुका है और ऐसे कचरा में फेंका हुआ है दवाई गोली, एक्सपायरी डेट हो चुका है, उसको भी दे देंगे बोल के हम नहीं आते। मातलाबा उप स्वास्थ्य केंद्र की जानकारी मीडिया ने जब CHMO को दी तो उन्होंने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र में जिसकी ड्यूटी लगी है उन्हें सुबह 8 से 10 बजे तक स्वास्थ्य केंद्र में बैठने के बाद अपने विजिट के लिए बाकी गाँव जाने की भी जिम्मेदारी है। अगर वो ड्यूटी पर नहीं आते हैं तो इसकी जांच की जाएगी। स्पष्ट निर्देश है कि जो दवाइयां हैं वो एक्सपायरी डेट के पहले उसका उपयोग कर लिया जाए। यदि उसके पहले उपयोग नहीं हो पा रहा है तो 3 महीने पहले अपने खंड चिकित्सा अधिकारियों को वापस करें ताकि दूसरी जगह उसको उपयोग हो। यदि एक्सपायरी डेट की दवा भी पाई गई है तो नियम के बहुत विरुद्ध है। यदि किसी कारणवश एक्सपायरी हो भी जाती है दवाई तो नियमानुसार उसको डिस्पोज आप कर देना चाहिए, न कि कहीं पे रखना। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का ये हाल देखकर लगता है कि सरकार का पैसा बेकार हो रहा है। जिन गरीबों की मदद के लिए स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है वहाँ कामचोर कर्मचारी जनता और सरकार के साथ धोखा कर रहे हैं। जनता परेशान रहती है और दवाइयाँ धूल फांक रही हैं। दवाई रखे रखे खराब हो रही हैं, लेकिन मरीजों तक नहीं पहुँच पाती। जो डॉक्टर अपना फर्ज नहीं निभा पाते उनका क्या काम? सरकार ऐसे कर्मचारियों को क्यों रखती है जो पैसा सरकार का लेते हैं और काम अपना करते हैं? कांकेर से दीपक पुड़ो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट APN।